तो पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं, जहां राजनीति एक दिलचस्प मोड़ पर आ गई है। बंगाल में अगले साल ही चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इस बीच ममता बनर्जी का एक भरोसे का सिपहसालार उन्हें छोड़कर चला गया और उनका नाम है शुभेंदु अधिकारी, जिन्होंने विधानसभा से भी इस्तीफा दे दिया है। ऐसा कहा जा रहा है कि शुभेंदु जल्द ही बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। बंगाल की राजनीति में शुभेंदु अधिकारी किसी परिचय के मोहताज नहीं। दादा आज के डिजाइन कुछ न था। लेकिन हाल के दिनों में उन्होंने बांग्ला पॉलिटिक्स में ऐसी हलचल मचाई है कि पूरा देश उन्हें जान गया है। ऐसा क्यों है ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले ये तस्वीरें देखिए, जब शुभेंदु अधिकारी अपना इस्तीफा देने के लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा पहुंचे। कायदे से इस्तीफा तो उन्हें विधानसभा स्पीकर को देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने विधानसभा सचिव को अपना इस्तीफा सौंपा। रिपोर्टर पूछते रह गए, लेकिन वो कुछ नहीं बोले। दादा आज के डिजाइन कुछ न था। दादा एक तो जल्दी बोलें, काइंडली। दादा एक तो जल्दी बोलें, एक तो जल्दी बोलें दादा, प्लीज। उनकी ये चुप्पी भी ममता बनर्जी और टीएमसी पर बहुत भारी पड़ गई, क्योंकि 27 नवंबर से पहले तक शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के राइट हैंड माने जाते थे। ममता बनर्जी के मंत्रिमंडल में सबसे अहम व्यक्ति थे। तृणमूल कांग्रेस के सबसे बड़े क्राउड पुलर में उनकी गिनती होती थी। पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्रिमंडल में तीन तीन पोर्टफोलियो संभालते थे, लेकिन अचानक 27 नवंबर को उन्होंने पहले मंत्री पद से इस्तीफा दिया और फिर आज विधायकी का पद भी छोड़ दिया। दादा एक तो जल्दी बोलें, काइंडली। दादा एक तो जल्दी बोलें, एक तो जल्दी बोलें दादा, प्लीज। कल ही हल्दिया में शुभेंदु अधिकारी ने एक रैली भी की थी। जे शुभेंदु अधिकारी कोनो पदे लोप करें ना, क्यों क्यों बोले छिलें ना, पद देखिए लोग आनछे। आमी 27 नवंबर मंत्री छाड़ार परो आमार सभा समितिते लोक आसे, এই লোককে তৃণমূল কংগ্রেসের যারা পদে আছে তারা আনেনি, এই লোককে বিজেপির যারা পদে আছে তারা আনেনি, এই লোক এই জনগণ এদের সঙ্গে আমার আত্মিক সম্পর্ক। শুভেন্দু অধিকারী কা ইস্তফা মঞ্জুর নেহি হুয়া হ্যায়, লেকিন আব ইয়ে আটকলে লাগাই জা রহি হ্যায় কি শুভেন্দু অধিকারী বহুত জলদ হি বিজেপি জয়েন কর সকতে হ্যায়। অর संभावना यह है कि 19 और 20 दिसंबर को अमित शाह के बंगाल दौरे पर वो बीजेपी से जुड़ सकते हैं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।